भाई लोग, आज हमारी अलग अनबॉक्सिंग है। एक आई गेस ऐसा कुछ पहले अनबॉक्स नहीं किया हमने। ये भाई साहब देखो, पहले तो ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी बाइक का लेग गार्ड आया है। अबे साले, KTM 390 का। कौन सी कंपनी का? फैंटेसिया का। फैंटेसिया का ऑटो डिजाइन, ऐसा ऑटो डिजाइन करके है, ऐसी नाम है। हाँ, अब करते हैं इसको अनबॉक्स। स्पेशली बॉम्बे से आ रहे हैं हमारे पास और ये तीसरी बार में हमारे पास पहुंचे। इससे पहले दो बार आ चुका है, एक बार बारिश में कुछ कांड हो गया तो आया नहीं, और दूसरी बार पहुंचा नहीं था या डैमेज हो गया था प्रोडक्ट। बट क्या आता है इसका, इसको बहुत इस बार उन्होंने अच्छी पैकिंग की है, थोड़ा सा डुंडू भी निकल रहा है। समझ रहे हो डुंडू। मेजर पैकिंग ऊपर से हट चुकी है, अब दिखाते हैं अंदर से। चल क्या बॉक्स ओके भाई, ये तो R1V2 लिखा है। R1V2, अरे वो कुछ और है, कुछ पुराना बॉक्स किसी और का। इधर से निकल रही है, इससे ना तेरी बाइक की स्पीड और हो जाएगी। वेट बढ़ जाए और चलता है, इतना भी जरूरी है यार, स्टेबल तो वो। ओके, दूसरा भी निकालिए। अच्छा, कुछ हमें करना नहीं है इसको, लगा हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, असेंबल। अच्छा, ये है जी फाइनल प्रोडक्ट। ये पूरा अनबॉक्स हो चुका है, बहुत भारी है ये कुछ लुक आ रही है इसकी। इसका भी हमने वेट चेक किया, एक का है कितना, एक का कितना, साढ़े तीन किलो एक का, तो दो का हो गया 7 किलो, और जो स्टॉक लगा हुआ वो ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो होगा, वो भी अभी चेक करेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, लुक भी बहुत सेफ, लगा के देखते कैसा लग रहा है। और ये दिया इन्होंने साथ में माउंटिंग बैच, ये भी खोल देते हैं। ये रही इसकी माउंटिंग, और खोल देते हैं। ये इसकी क्वालिटी हल्की है यार, माउंटिंग की। हाँ यार, ये तो अच्छा, ये वॉशर टाइप है, ठीक है, ये भारी नहीं होता। ये है और तीन जगहों से लगे हुए मोस्टली, 1, 2, 3 आई गेस, और कहीं से नहीं होना चाहिए, बाकी लगाते हुए पता चलेगा, देखते हैं। तो भाई ये वाला लेग गार्ड खुल चुका है, पूरा खोल दिया तूने, नीचे वाला खोल दिया, ऊपर वाला खोलना है बस, उस तरफ का भी खोल दिया। कैसे रखो, एक मिनट रुक। अच्छा ये है इसका, हमने ये नट खोल दिया, ये रहा, ये है अपना 12 mm का, ये निकल चुका है। तो बहुत सही चीज़ है भाई, इसको घुमा के लूज कर देंगे, पूरा खोल दूँ। हाँ कहाँ रखा है ये, तो बहुत हल्का है भाई। अच्छा ये मारी थी यहाँ पर, नहीं नहीं इसी साइड गिरा ना। हाँ ये गिरा होगा, देखा नहीं था मैंने, बट हाँ ये भाई साहब गिर गए थे और ऑफ रोडिंग करते हुए, बहुत लगी है भाई। हाँ बड़ी हट जाएगी, मिट्टी है ज़्यादा, ऐसे डाली थी भाई। इसमें ये जाएगा, ये आपको दो मिलते हैं ना, ये लंबे वाले, एक एक। अच्छा ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ, ठीक है। इसमें वॉशर जाएगा क्या? नहीं वॉशर नहीं जाएगा ना। We'll be right back.
पहले देख ले। तो भाई लोग इसके अंदर से हमने ये निकाला है, ये बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरी है, इसके बिना नहीं लगेगा। और ये खाली स्पेस में ये सबसे बड़ा वाला वॉशर डलेगा, फिर लगेगा और सबसे बड़ा वाला पेज डलेगा इसके बाद। तो भाई ये फिट हो गया, इसको मैं बता देता हूँ क्या करना। तो खोल उधर का, ये वाला एक पेज है, इसके अंदर जो ओरिजिनल था ये वाला था गाइस। तो ये नया लग गया, इसके अंदर जो सबसे छोटी हमारी वॉशर थी, वॉशर नॉर्मल वाली कहाँ है, वॉशर कहाँ है भाई, कहाँ की कोई भी जनरल वो जो इनके साथ वॉशर आई थी। हाँ तो सबसे इसमें जो सब चार वॉशर होंगे आपके, जो सबसे छोटी वाली है हो जाएगी इसके अंदर, और जो सबसे छोटा पेज है लंबे वाला इनका वो एक वॉशर के साथ यहाँ लग जाएगा। ये हो गई एक चीज़, इसमें कुछ नहीं करना। ये वाला जो है इनसे ओरिजिनल खोल लें, उसके बीच में ये डाल के नया लगा देना, मतलब बस ये बीच में फिट करके टाइट कर देना। और जो ऊपर है तो सारे बोल रहे हैं इसमें जो पतले वाला मिला हमें वो लगेगा, तो वो है ठीक है एक मिनट। इसमें जो सबसे पतले वाला है ये जो सारे दो तीन वीडियो में बता रहे हैं वो लगेगा, और वो नहीं लगेगा, ये जो मोटे वाले यही लगेगा एक वॉशर के साथ। और अंदर जो सबसे बड़ी वाली ये है अंदर हो जाएगी, बस ये चीज़ है इसमें भाई। ये कुछ लुक आ रही है साइड से, थोड़ा सा एक पेज टाइट करना है, वो चल रहा है अभी, थोड़ी पीछे जैसे बटरफ्लाई टाइप लुक से। सारे ब्लॉग में तो मत बोल बटरफ्लाई लुक है, ऐसे साइड में जा रहे हैं भाई। ये देखो सारा यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे मोटे वाला जो पेज है वो यहाँ लगेगा एक वॉशर के साथ, और एक पीछे जो वॉशर था मोटे वाला एक वो लगेगा, मोटे वाला मतलब जो मिड साइज़ वाला है वो, एक मिड साइज़ वाला यहाँ लगेगा, और सबसे लंबे वाला पतला सा और लंबा वाला पेज यहाँ लगेगा, और ये सब टाइट होगा। जो दो सबसे छोटे छोटे पेज हैं और एक पतली लंबी सी डंडी है, डंडी इधर, दो पेज इधर, इस तरह से कर दिया था ना तूने पूरा ये? फिर भी कर दे एक बार, वही सबसे मोटा वाला पेज इधर, ये अभी ये हल्का सा लूज है, करता हूँ उसको, सबसे मोटा वाला पेज इधर, एक मिड साइज वाला वॉशर यहाँ पर, ये नॉर्मल टाइट हो गया, ये वाला जो है मुझे बस ये कन्फ्यूजन है, एक मिनट रुकना, बाहर जा रहा है। सबसे लंबे पतला सबसे पतला और हाइट में छोटा वो यहाँ लगेगा, और अब लगेंगी लाइट, बस फिर पूरा सेटअप कंप्लीट। तो भाई लोग अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, आपको फिटिंग करने में ईजी हो रहा हो या कुछ भी, तो किसी भी तरीके से बेसिकली हेल्प हुई हो, तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और ये वीडियो लाइक करना। जो इसके पास भी KTM है आपके, किसी दोस्त के पास KTM 300 एडवेंचर, उसके साथ शेयर करो कि ये वाला लेग गार्ड कैसा लग रहा है। और बस मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय।